नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में दो समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1,00,000 रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों, लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CHCs हैं, जहां पर ये टेस्ट
करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है, बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है, क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल, अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6000 रुपया साल, तो 6000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है, ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी की जयंती है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेविका और महिलाओं के उत्थान और गांव गांव घूमकर भारतवासियों में देश प्रेम की अलख जगाने के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9.5 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होती जा रही है।
क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9.5 साल के कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र अटल सेवा केंद्र खोले जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय रोजगार सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छाई करने अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों को शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए
ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के वचन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार रवि सीजन में MSP पर फसलों की खरीद करेगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो किसानों के हित में मनोहर सरकार रवि सीजन में MSP पर होगी सरसों की खरीद। चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस पहल से किसानों की आय दुगनी होगी। मार्च 2024 से 5 जिलों में उचित मूल्य की सूरजमुखी का तेल बिकेगा। तो इस पहल से मुख्यमंत्री लगातार किसानों को फायदा पहुंचाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल के विजेता में क्या कुछ है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में विश्वकर्मा योजना को कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है 15 अगस्त 2023। ढेर जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं काजल गहलोत जिनसे। काजल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर संजय शर्मा, जो की पलवल के क्षय रोग नागरिक अस्पताल में CMO के पद पर काबिज है। सुनिए।
पार्षदों से टीबी के बारे में कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, क्या स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए समाज में, इस तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त करी। क्या टीबी के मरीज को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जैसे 500 रुपए की स्कीम है उसको पोषण की, आशा को है, इन्फॉर्मेंट को है 500 रुपए, ट्रीटमेंट पे उसको दिए जाते हैं, या जो निक्षय मित्र बनाने के लिए भी उनसे एक अपील करी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र बनाएं, जिससे कि जो गरीब तबका का मरीज है उनको न्यूट्रिशन वो मिल सके और जिससे टीबी के मरीजों का इलाज अच्छी तरह से हो सके। दूसरा, ग्राम पंचायतों को टीबी फ्री मुक्त पंचायत करने के तहत भी उनको जानकारी दी गई, जिसमें हम सभी सिलेक्टेड 30-32 ग्राम पंचायतें हमने सिलेक्ट करी है, जिसमें पिछले कई साल तो टीबी का मरीज नहीं है और है तो कुछ 9 पैरामीटरों के आधार पर उसको टीबी फ्री पंचायत घोषित करें। इसमें सबसे ज़्यादा काम रहा हमारा ही डिपार्टमेंट का कि एक गांव पर 1000 की पॉपुलेशन पर 30 सैंपल कराने थे, वो हम सब करा चुके हैं। जो 24 वर्ल्ड टीबी डे पर 24 मार्च को ये कुछ ऐसी सिलेक्टेड पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा डीसी महोदय के थ्रू। तो इस बारे में हमने विस्तार से टीबी के बारे में अवेयरनेस देते हुए अपनी सरकार की प्लानिंग, सरकार की योजनाओं का, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।